वजह से आज जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो वो सब आप सब कार्यकर्ताओं की वजह से आज मोदी जी मजबूत है, तो आप सब और हम सब कार्यकर्ताओं की वजह से जो रीढ़ की हड्डी जिसके बिना अपन चल नहीं सकते, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को मैं नमन करती हूँ। और मैं आपसे आह्वान करती हूँ कि इस कांग्रेस के काले कारनामे को कैसे अपन घर घर बूथ पर शक्ति केंद्र पर और मेरी मातृ शक्ति से मैं आह्वान करती हूँ कि आप छोटे छोटे झुंड में जैसे भजन मंडली है, जैसे कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम है, अपने गली मोहल्ले में है, 10-10 लेडीज को अपने एक साथ बैठ के चर्चा करिए कि मोदी जी ने अपने महिलाओं के लिए क्या क्या जन कल्याणकारी योजनाएं की है। उन योजनाओं का हमारा दायित्व है, विशेषकर महिलाओं का, कि महिलाओं के लिए मोदी जी का विशेष 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 अपना आशीर्वाद रहा है, तो उस आशीर्वाद को हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं, तो ये हमारा दायित्व है। रही बात इस कांग्रेस की भ्रष्टाचार की और इस बलात्कार की गहरी और गूंगी पहली सरकार के लिए, तो मेरे पास अब शब्द भी नहीं है। क्यों? कि हम सब 4.5 साल से जो भुगत रहे हैं, शायद कोई भी ऐसा विषय आपके सामने नहीं है जो उससे आप वाकिफ नहीं है। कांग्रेस काले कारनामे से पूरी तरह से जनता त्रस्त हो गई है, तो अब भाइयों बहनों हमें इस कारनामों को भी जनता को तक पहुंचाना है और जनता में कहना है कि ये कांग्रेस जो ये मुख्यमंत्री जी शाम गृह मंत्री जी है और इनके वहाँ जो शांति धारीवाल जी, कैसे आप शब्द बोल सकते हैं? मैं अपने मुंह से आपको नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, महिला के लिए गलत शब्द मैं कभी नहीं बोल सकती और कभी नहीं सुन सकती, आप सब जानते हैं। और रही बात स्वयं इनकी एक मंत्री दिव्या मदेना, वो खुद कहती है इस कांग्रेस के राज में स्वयं मैं खुद एक विधायक और मंत्री होने के नाते मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ, तो सर शायद अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो झूठे वादे करके वो सरकार सत्ता में आई, तो इस सरकार के आप झूठे वादों में ना आकर हमें फंसना नहीं है। और जो ये रेवड़ियां बांटने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार अभी कर रही है, तो इन रेवड़ियों के दाम भी इनको हाथों के हाथ मिल रहे हैं। क्यों? कि ये एक तरफ मोबाइल दे रहे हैं और फिर हाथों हाथ उनसे पूछते हैं कि वोट किसको देंगे, तो मेरी मातृशक्ति बोलती है कि वोट तो हम मोदी जी को ही देंगे, तो कि मोबाइल तो अशोक जी ने दिया, तो कह ले जा ये तेरा मोबाइल वापस ले जा, पर वोट तो हम मोदी जी को ही देंगे। तो इससे हम सब पहचान सकते हैं कि मेरी मातृशक्ति में इतनी जागृति है कि भले कुछ भी लालच दो, लोग दो, मसाले बांटो, खाना बांटो, इससे मेरी जनता इस झूठे वादे में आने वाली नहीं है। और आने वाले समय में विशेषकर इस मारवाड़ विधानसभा के लिए मेरी मातृशक्ति तैयार है और उसका रिजल्ट देकर ही रहेगी, क्योंकि विशेष इस दौर दौरान है। मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप सब आने वाले समय में कमल के फूल को विजय बनाए और आज यहाँ से संकल्प लेके जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद।